मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू सैफ्रन इंग्लिश मीडियम स्कूल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 5। आपका चैप्टर नंबर 5 है माय होम। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। कम टू माय हाउस, कम एंड प्ले। यहाँ पे जो है वो कहता है मेरे घर पर आओ और खेलो। इट इज़ अ प्लेस फॉर फन। वो जो प्लेस है वो फन के लिए है। नाइट एंड डे, फॉर नाइट एंड डे। There is a room in there where I sleep. वहाँ पे रूम है जहाँ पे मैं सोता हूँ। And bathroom is there where you must not peep. Another room where mom cooks for us. जहाँ पे मम्मा कुक करती है उसको हम क्या कहेंगे? किचन। जहाँ पे बाथरूम होता है वहाँ पे बाथ लेने के लिए होता है। Yum yum yummy breakfast. अनदर रूम वेयर मॉम कुक्स फॉर अस। वो कहता है एक अनदर रूम है जहाँ पे मॉम कुक करती है हमारे लिए। यम यमी ब्रेकफास्ट। कैसा ब्रेकफास्ट? यम्मी। कम टू माय हाउस, कम टुडे। कहता है कम टू माय हाउस यानी कि मेरे घर में आओ और आज ही आओ। वी विल प्ले ऑल डे। हम सब पूरा दिन खेलेंगे। एंड बी हैप्पी एंड गे। और बहुत हैप्पी होंगे। ओके, नीड ऑफ अ हाउस। हमें घर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? एवरी लिविंग बींग नीड्स अ शेल्टर। ऑल द लिविंग बींग यानी कि ऑल द जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उन्हें शेल्टर की ज़रूरत होती है। योर होम इज़ योर शेल्टर। जो हमारा घर होता है वो ही हमारा शेल्टर है। फ्रॉम रेन द नॉट सन रॉबर्स एंड द एनिमल्स। वो जो होता है हमारा घर वो हमें किससे बचाता है? रेन से, हॉटनेस से, कोल्ड से और एनिमल्स एंड रॉबर्स से। रॉबर्स यानी कि जो थीफ होते हैं वो वन टाइप ऑफ रॉबर्स होते हैं। ओके, यहाँ पे एक पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको दिखाया हुआ है कि जो हमारा घर है, ये जो हमारा घर है वो हमें सन से यानी कि सन से जो धूप आती है उससे बचाता है। फिर यहाँ पे क्लाउड दिखा के रेन से बचाता है, एनिमल से बचाता है और ये है रॉबर्स, रॉबर्स से बचाता है। पार्ट्स ऑफ अ हाउस, हाउस के पार्ट्स। ए होम हैज़ मैनी डिफरेंट पार्ट्स। जो घर होता है हमारा वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। यू कैन सी अ लिजार्ड और अ स्पाइडर ऑन द वॉल। आपने कभी लिजार्ड और स्पाइडर को वॉल पे देखा है? तो हाँ, कभी कभी वॉल पे लिजार्ड भी होती है और स्पाइडर भी होते हैं। द फैन हैंग्स डाउन फ्रॉम द सीलिंग। और यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जो है फैन है वो सीलिंग पे हैंग कर रहा है यानी कि लटक रहा है। द डोर्स एंड विंडोज लेट इन द फ्रेश एयर। यहाँ पे जो डोर्स एंड विंडो है वो किसके लिए होती है? फ्रेश एयर के लिए। यू क्लीन द फ्लोर विथ अ ब्रूम। हम ब्रूम से अपने फ्लोर को क्लीन कर सकते हैं। रूम्स इन अ हाउस। अब हम हाउस में रूम्स की बात करेंगे। ए होम हैज़ मैनी डिफरेंट रूम्स। जो होम होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट रूम होते हैं। आई रेस्ट एंड स्लीप। हम रेस्ट एंड स्लीप कहाँ पे करते हैं? बेडरूम में। फिर है माई पेरेंट्स कुक। हमारे पेरेंट्स कुक किस में करते हैं? किचन में। आई ईट माई फूड। हम खाना कहाँ पे खाने बैठते हैं? डाइनिंग रूम में। आई टॉक टू गेस्ट। गेस्ट के साथ बातें कहाँ पे करते हैं? ड्राइंग रूम में। आई ब्रश माई टीथ एंड बाथ। बाथ एंड ब्रश करते हैं बाथरूम में। आई स्टडी। स्टडी करने बैठते हैं स्टडी रूम में। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हाउसेस। हाउस की भी बहुत टाइप्स होते हैं। टेंट, इग्लू, हाउस बोट, कॉटेज, बंगलो, हट, कैरेवान, फ्लैट, ये सब हाउस के टाइप्स हैं। अब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। वी लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस। हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हाउस में रहते हैं। वी यूज़ डिफरेंट मटेरियल्स टू मेक आवर हाउसेस। वो डिफरेंट डिफरेंट हाउस को बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल यूज़ होता है। फर्स्ट जो आपको दिख रहा है वो है टेंट। ये जो टेंट है वो कैनवास क्लोथ से बनता है। ए टेंट इज़ अ मेड ऑफ कैनवास क्लोथ। और ये जो पिक्चर है वो है इग्लू। एन इग्लू इज़ मेड ऑफ आइस ब्लॉक। और ये जो इग्लू होता है वो आइस ब्लॉक से बनता है। यह है हाउस
बोट। ये कैसी होती है? बोट होती है, उसके ऊपर हाउस बना हुआ है। जहाँ पे हम सी में जाते हो तब इसका यूज़ होता है। ओके, कॉटेज इज मेड ऑफ वुड। ये जो कॉटेज है वो वुड से बना हुआ है। फिर बंगलो, बंगलो होता है वो ब्रिक, आयरन एंड सीमेंट से बनता है। ए बंगलो इज मेड ऑफ ब्रिक्स, आयरन एंड सीमेंट। यह है छोटी सी हट। ए हट इज मेड ऑफ मड एंड थैच। मिट्टी से बनता है ये हट। यह है कैरवान। ये कैसी है? उसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर मूविंग कर सकते हैं। ए कैरवान, कारवान इज अ मूविंग हाउस मेड ऑफ मटेरियल। उसको हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। अब देखते हैं फ्लैट। ए फ्लैट इज अ स्मॉल हाउस इन अ टॉल बिल्डिंग। बहुत बड़ी बिल्डिंग में एक छोटा सा हाउस, इसको हम बोलेंगे फ्लैट। ओके, अब उसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। ए है फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें फर्स्ट है अवर ब्लैंक प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द रेन एंड हॉट सन। हमारा घर है वो हमें रेन एंड हॉट सन से प्रोटेक्ट करता है। तो आंसर क्या होगा? होम। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, अवर होम प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द रेन एंड हॉट सन। सेकंड वन है द ब्लैंक लेट इन द फ्रेश एयर। फ्रेश एयर का हमें कहाँ से मिलती है? तो डोर्स एंड विंडोज से। ओके, थर्ड वन है ए ब्लैंक इज मेड ऑफ कैनवास क्लोथ। तो ए टेंट इज मेड ऑफ कैनवास क्लोथ। फोर्थ वन है एन इग्लू इज मेड ऑफ ब्लैंक ब्लॉक्स। तो जो इग्लू होता है वो आइस ब्लॉक से बना हुआ होता है। तो एन इग्लू इज मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स। फिफ्थ वन है ए हर्ट इज मेड ऑफ ब्लैंक एंड ब्लैंक। जो हर्ट होता है वो किससे बनता है? मड एंड थैच से। तो हम कैसे बोलेंगे? हर्ट इज मेड ऑफ मड एंड थैच। ओके, नेक्स्ट है इन विच रूम इज द किटन इन विच ईच पिक्चर राइट इट बिलो। फर्स्ट पिक्चर में ये जो किटन है वो नहा रही है, तो वो कौन सा रूम होगा? बाथरूम। सेकंड में जो किटन है वो बेड के नीचे सो रहा है, तो उसको हम कहेंगे बेडरूम। जो किटन है वो सोफे पे बैठा हुआ है, तो उसको हम कहेंगे ड्राइंग रूम। और ये जो किटन है वो स्टडी रूम में स्टडी टेबल के ऊपर बैठा हुआ है, तो ये हुआ हमारा स्टडी रूम। अब हम देखते हैं आगे। सी जॉइन द डॉट्स नंबर टू फाइंड द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमें ये आपको जो वॉच दिखाई दे टॉर्च दिखाई दे रही है, उसमें डॉट्स को ट्रेस करना है। 50, 51, 52, 53 ऐसे ही 50 to 80। जब आप ट्रेस करोगे तब आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? आई कीप योर हाउस क्लीन, आई एम अ ब्लैंक। ये क्या कहती है? मैं तुम्हारा हाउस को क्लीन करती हूँ। तो मैं क्या हूँ? तो हमारे हाउस को कौन क्लीन करता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू क्लीन द फ्लोर विद द ब्रूम। तो हम ब्रूम से फ्लोर को क्लीन करते हैं। तो यहाँ आंसर आएगा बी, ब्रूम। ओके, तो ये जो पिक्चर बना वो किसका बना? ब्रूम का। ओके,